नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ करके बताने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ क्या रहने वाला है, एक्चुअली दोस्तों मेरे पास ये एक हेडफोन्स है, ईयरफोन्स है, ठीक है, ब्लूटूथ वाले, ये वाले आप देख सकते हैं। तो इनको दोस्तों मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने लैपटॉप के साथ। अभी आप पूछ रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, ब्लूटूथ वाले हैं, ब्लूटूथ ऑन करो और कनेक्ट कर ले। लेकिन दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको कनेक्ट तो करूंगा लेकिन लैपटॉप का ब्लूटूथ यूज किए बिना इसको जो है कनेक्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, जिन लोगों के पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं है, या फिर उसके पास जो लैपटॉप है, ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई लैपटॉप है और उसमें ब्लूटूथ का जो फंक्शन होता है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मैं समझाऊंगा कि आप कैसे अपने ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स को या फिर जो बड़े वाले हेडफोन्स रहते हैं उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना ब्लूटूथ डिवाइस को यूज किए। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका ब्लूटूथ डिवाइस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अभी दोस्तों आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। लिटरली दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि आपके पैसे बचने वाले हैं। अगर आप अपने पैसे खर्च करने की सोच रहे थे, ठीक है, एक ब्लूटूथ रिसीवर परचेस करने के बारे में, वो जितने का भी रहता होगा 300-400-500 का, तो आपके वो सारे पैसे बचने वाले हैं इस वीडियो की मदद से, ठीक है। तो दोस्तों 100% जेन्युइन वीडियो रहने वाला है, ठीक है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, आप देख रहे हैं टेकिन दीप यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं टेक की बात यानी टेकिन दीप के साथ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और साथ में मेरे पास ये वाले ईयरफोन्स है, ठीक है, मेरे हाथ में, और आपको एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये मेरे पास सैमसंग का फोन है। तो ये तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है ना, तो आप पहले आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ मेरे लैपटॉप का यहाँ पे विंडोज़ का टर्न ऑफ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अगर क्लिक करके भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ जो है ऑफ है, ठीक है। तो अभी इसको हमने कनेक्ट करना अपने लैपटॉप के साथ, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, georgielabs.net ये वेबसाइट है। आपको इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, वहाँ से आके आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ के लिए यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, ये बेसिकली सर्वर है एक तरीके का। तो आपको इसको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास विंडोज 7, 8 है, 10 है, जो भी वर्जन है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है सॉफ्टवेयर को, तो उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे डाउनलोड करेंगे सिर्फ नेक्स्ट आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। विंडो एक्सपी वर्जन के लिए आपको ये वाला डाउनलोड करना है। लिनक्स जो यूज़र्स हैं, ठीक है ना, उनको ये वाला इनमें से 32-bit और 64-bit का यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर किसके पास रसबरी पाई है तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करने वाला। तो इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, आपके सामने एक ऐसा ओपन हो जाएगा इंटरफेस, ठीक है ना, ये विंडो ओपन होगी। तो इसको एक बार मैं साइड पर रख लेता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने करना है आपके मोबाइल के अंदर, आपके पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा उसके अंदर ये वाला एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये वाला दोस्तों जो एप्लीकेशन, ठीक है, आपको इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देख सकते हैं आप दोस्तों कि आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के साइड पर, ठीक है ना, आपको मेरी मोबाइल की भी डिस्प्ले शो हो रही है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, वो वाला एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर, उसको ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सर्वर एड्रेस दिखाई दे रहा है 192.168.1.7, ठीक है, इसको आपने एंटर करना है अपने जो साउंड वायर का आपने एप्लीकेशन किया है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको, मैंने पहले कॉपी करके रखा था, मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम दोस्तों पेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे साइड पे जो क्लिक बटन है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, वो आपका सेम वाईफाई पे होना चाहिए, जो वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके घर में कोई वाईफाई लगा, ब्रॉडबैंड लगा, तो आपका सेम वाईफाई के ऊपर कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से यहाँ से कट कर लेता हूँ, 7 को दोबारा से एंटर कर लेता हूँ, तो डन कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कनेक्ट हो चुका है हमारा जो सर्वर है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अभी इससे क्या होगा, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो लैपटॉप की विंडोज़ की साउंड है वो बिल्कुल मैंने डाउन की हुई है, ठीक है।
तो यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। जो आवाज़ आएगी दोस्तों अभी मेरे स्मार्टफोन से आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको कोई अपना वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको कैसे नंबर वो मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, आपको इस एप्लीकेशन का लिंक हमेशा की ये मैं साउंड जो है डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी साउंड को मैं जो है करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मैंने मेरा जो लैपटॉप है, ठीक है ना, इसका जो साउंड है, ठीक है, वो इस डिवाइस से आ रहा है, अभी मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से आ रहा है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, अपने एयरफोन्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो चलो डिवाइस कनेक्ट हो गया, अभी हमने बेसिकली तो एयरफोन्स को कनेक्ट करना है ना, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम अपने एयरफोन्स को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने एयरफोन्स को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ब्लूटूथ के ज़रिए। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा जो ब्लूटूथ, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये जो मेरे ब्लूटूथ, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मेरा जो एयरफोन्स है वो कनेक्ट है मेरे एंड्रॉयड मोबाइल के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है, अपना मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो साउंड है, आपको अभी माइक के पास लेके जाऊंगा तो आपको वो सुनाई देगी, ठीक है। अभी वीडियो मैंने प्ले कर दिया अपने जो यूट्यूब की है, तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि साउंड आपको आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, इसमें तो आ रही है, लेकिन अभी आपको माइक में आपको दिखाता हूँ। तो अगर दोस्तों साउंड आ रही होगी, ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से अभी साउंड आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी आसान था, ठीक है, यह प्रोसेस। अभी आपको इसमें क्या है, दो चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है, ठीक है, वो सेम वाईफाई के ऊपर होना चाहिए, आपके डिवाइस का भी, आपके लैपटॉप का भी, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों अगर मान के चलिए आपके घर पर वाईफाई नहीं लगा है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करना, हॉटस्पॉट ऑन करना, और अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है वाईफाई एज ए वाईफाई अपने मोबाइल डिवाइस से, ठीक है ना। और अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, कोई पुराना कंप्यूटर है, ठीक है, और जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है दोस्तों, के कंप्यूटर के अंदर जो है वाईफाई इनबिल्ट नहीं आता है, जो आजकल के मदरबोर्ड है, ठीक है, उनमें आने लगा, लेकिन पहले के जो होते थे मदरबोर्ड उनमें वाईफाई इनबिल्ट नहीं था, ना ही ब्लूटूथ था, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको डोंगल खरीदनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई भी नहीं है, ठीक है ना, आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है, तब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक डाटा केबल होगी, ठीक है, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, अपनी डाटा केबल से, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, जैसे ही आप दोस्तों सेटिंग में जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको यूएसबी टेथरिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग करके एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ टेथरिंग का भी ऑप्शन है वैसे तो, ठीक है ना, तो लेकिन हम ब्लूटूथ का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे या तो मोबाइल का हॉटस्पॉट का, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, वाईफाई की डोंगल नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप सिंपली जैसे डाटा केबल को कनेक्ट करेंगे दोस्तों अपने मोबाइल के साथ, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यूएसबी टेथरिंग की, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, इनेबल हो जाएगी यूएसबी लगने के बाद। तो आप सिंपली जैसे इसको ऑन कर देंगे, तो आपके इंटरनेट जो आपके मोबाइल में होगा वो आपका कंप्यूटर में चलने लग जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी सेम नेटवर्क पे हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीन तरीके, ठीक है, आप तीनों तरीके से अपने जो ईयरफोन्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आपके काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको, ठीक है, आपके पैसे बचाने वाली है। वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।